Hi everyone, to my आज हम पढ़ेंगे जो की ज्वाइंट होते हैं इस थमस से इसका वेट होता है अराउंड ट्वेंटी टू फोर्टी ग्राम ठीक है इट्स मेड अप ऑफ फोलिकल सेल्स लोकेटेड अराउंड अ कैविटी जिस कैविटी में होता है थारोगीन ठीक है फोलिकल सेल्स जो है दे सिक्रेट टी थ्री टी फोर फाइन पैराफोलिक जो सेल है देसिकेट कैलसीटोनि तो अगर हम बात करें अराउंड टी जो है वो ज्यादा परसेंटेज में होता है 90 परसेंट जो है टी होता है और 10 परसेंट टी होता है दो हार्मोन जो है रिलीज करता है राइट देन पोटेंसी ऑफ थायरॉयड टी थ्री इज फोर टाइम्स दैट ऑफ टी अगर हम बात करें बेस ऑफ नैक में होता है ये सिचुएटेड अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं एक फोलिकल को अगर जूम करके देखें तो इस तरह से हमारे जो फोलिकल सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं सेंटर में एक कैविटी होती है जिसमें भरा होता है कॉलोइड ओके साइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बेसिकली थायराइड बनेगा एंड देन इट विल बी सिक्रेटेड इन ब्लड वेसल्स ओके ब्लड में जाएगा और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगा ठीक है तो ये जो बेसिकली क्या है यहाँ जो पैराफोलिकल सेल्स हैं ये कैल्सिटोन रिलीज करते हैं ठीक है तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड के बारे में तो पहली बात आती है कि थायराइड सिगरेट क्यों होता है किसके रिस्पॉन्स में होता है या फिर सेपरेटली आपसे पूछ लिया जाए रेगुलेशन पार्ट तो आप क्या लिखेंगे कि जब भी डिक्रीज बीएमआर या लैप्टिन लेवल डिक्रीज होता है स्पेशली डिक्रीज बी जो भूलना मत तो इन रेस्पॉन्स टू डेथ हाइपोथैलमस जो तो है इट रिलीजेज थायरॉयड रिलीजिंग हॉर्मोन राइट Thyroid releasing hormone it stimulate anterior pituitary to secrete TSH thyroid stimulating hormone ठीक है थायरॉय स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन था एंड इसकेट टी थ्री टी फोर ओके सो वेन एवर टी थ्री टी फोर जब भी ज्यादा हो जाते हैं तो देर इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्मी थ्री टी फोर ज्यादा हो जाएंगे तो इनको कम होना चाहिए इसलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैकेनिज्मी पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा और हाइपोथैरामस को भी तो इस तरीके से ये जो सिक्रेशन है टी आर एच और टी एस एच रिड्यूस हो जाएंगे और जिससे थायरोड हार्मोन प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा ये था रेगुलेशन पार्ट ओके अब बात आती है सिंथेसिस की तो थायराइड हार्मोन जो है इन स्टेप्स में सिंथेसाइज किया जाता है सबसे पहले थाइरोग्लोबुल बनेगा उसके बाद आयोडीन ट्रैपिंग आयोडाइड ट्रैपिंग आयोडाइड ऑक्सीडेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन देन आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन एंड कपलिंग रिएक्शन ठीक है तो इन पांच स्टेप को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ओके okay, तो लेट्स सी सिंथेसाइज़ कैसे होता है थायराइड हार्मोन तो अगर ये फोलिकल सेल है फोलिकल सेल की एक बाउंड्री को अगर हम जूम करके देखें तो इस तरीके से बेसिकली uh, यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है तो यहां पे थायराइड ग्लैंड पे कौन सा uh, जो हार्मोन है वो एक्ट करेगा दिस इज टी एस एच तो टी एस एच बाइंड करेगा इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे ठीक है एंड एंडसाइकली एमपी बनाएगा जिससे आगे की प्रोसेस होगी तो हम बेसिकली जानेंगे कि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है वो प्रोसेस शुरू होती है तो कैसे होती है तो अब हम देखेंगे कि ये एक ब्लड वेसल है ये थायराइड हमारे जो फोलिकल सेल्स अरेजड हैं तो हम देखेंगे थायराइड हार्मोन कैसे बनता है ओके okay? तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज थायरोग्लोबुलिन फॉर्मेशन तो ये एक फोलिकल सेल है जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अब वो जो है वो थायरोग्लोबुलिन बनाएगा और ये थायरोग्लोबुलिन जो है हमारा बीच में कैविटी में कोलोइड में आ जाएगा राइट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ठीक है आयोडीन जो हमने लिया है आयोडाइड की फॉर्म में वो सर्कुलेट कर रहा होता है राइट तो आयोडाइड जो है वो एक, एक यहाँ पे सिंपोर्टर है विच इज सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर सोडियम और आयोडाइड को वो क्या करेगा फोलिकल सेल के अंदर एंटर कराएगा बिकॉज ऑफ दिस पंप ओके तो सोडियम और आयोडाइड अंदर आ चुके हैं सोडियम दोबारा जाएगा वापस इन ब्लड इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पे जिसकी वजह से ये बार बार हो पाएगा राइट right? तो बेसिकली क्या है आयोडाइड आ चुका है अब आयोडाइड को कहााना है क्लोइड में ताकि थाइड बन सके अब ये पेंड्रीन जो है चैनल पेंड्रीन पेंड्रीन प्रोटीन है जो क्लोराइड के एक्सचेंज में आयोडाइड को जो है क्लोइड में बेसिकली uh, एंटर कराएगा अब कोलोइड में हमारे पास क्या क्या आ चुका है थायरोग्लोबुलिन आ चुका है जो कि बहुत सारी लंबी चेन ऑफ थायरोक्सिन होता है टायरोसिन ओके तो टायरोसिन पहले बन चुका है ये थायरोग्लोबुलिन और आयोडाइड आ चुका है ठीक है अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है तो यहां तक बच्चों यहाँ तक है आयोडाइड ट्रैपिंग अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि आयोडाइड ट्रैपिंग के बारे में बताओ तो आपको यहाँ तक की प्रोसेस बतानी है राइट आगे का आप बता सकते हो चाहो तो फाइन तो आयोडाइड आ चुका है अब क्या होगा अब प्रोक्सीडेज की प्रेजेंस में आयोडाइड जो है वो आयोडीन बनेगा आयोडीन ठीक है अब आयोडीन जो है और यहाँ पे हमारे टायरोसिन है ठीक है तो टायरोसिन आयोडीन के साथ मिलके बनाएगा अगर टायरोसिन चेन में जो साइक्लिक हमारे इस तरह से होता है टायरोसिन इस तरह से बहुत सारी लंबी चेन होती है बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें अगर एक हमारा आयोडीन लग गया तो उसे हम बोलेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन ठीक है अगर हम अगर दो आयोडीन लग गए एक और आयोडीन लग गया तो हमें उसे बोलेंगे डाय ओके? अब बात आती है कि अगर मोनो आयोडोटायरोसिन और डायडोटाइरोसिन कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो बनता है हमारा टी थ्री हॉर्मोन ट्राई आयोडो ठीक है और अगर डी आई टी और डी आई टी मिलते हैं तो हमारा बनता है थायरोक्सिन हॉर्मोन टी फोर ठीक है इसी तरीके से रिवर्स होगा तो रिवर्स T3 भी बन सकता है ओके okay, तो अब इस तरीके से हमारे हार्मोन बन गए हैं फाइन इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन अगर कपलिंग रिएक्शन पूछा जाए तो ये बताना आपको अब हार्मोन बन गए हैं हमारे पास क्या क्या बन गया है एम आई टी डी बन गया है आर टी बन गया है अब ये सारे क्या होंगे दोबारा से हमारे फोलिकल सेल में जाएंगे और एक वैस्कल बनाएंगे ठीक है वैस्िकल की फॉर्म में अंदर जाएंगे एंडोसोम बनाएंगे एंडोसोम बाइंड करेगा लाइजोसोम के साथ लाइजोजोम प्रेजेंट है सेल के अंदर वो बाइंड करेगा अब इससे होगा क्या जो थार हार्मोन है वो तो रिलीज हो जाएंगे टी थ्री टी फोर ठीक है और जो बचा हुआ सारा पार्ट है एम आई टी डी आई टी वो सारे, के सारे रियूज हो जाएंगे ताकि दोबारा ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सके ओके अब यहाँ पे टी थ्री टी फोर जो है क्योंकि ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं तो इन्हें कोई ना कोई, कोई हमें ब्लड में जो है वो ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए तो थायरॉयड बाइंडिंग प्रोटीन इन्हें यहाँ पे बाइंड करके लेके जाएगा ब्लड में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा अब यहां तक हमें समझ आ गया है कि थारॉयड बन चुके हैं थारॉयड हार्मोन और अब वो टारगेट ऑर्गन तक जा रहे हैं ठीक है तो T3, T4 जब भी टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेंगे दे विल एंटर द सेल डायरेक्टली ठीक है और उसके बाद वो न्यूक्लियस रिसेप्टर पे काम करेंगे ये बात ध्यान रहे ओके okay? थायरोड हार्मोन तो ये एंटर करेंगे और ये फिर ना न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके और किस पे बाइंड करेंगे दो रिसेप्टर होते हैं जो कि साथ में अटैच होते हैं एक दूसरे के तो ये होते हैं रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर और थायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर तो थायरोड हार्मोन रिसेप्टर पे थायरॉड हार्मोन बाइंड करेगा ये दोनों के बाद और हमारा एमआरएन ए सिंथेसिस होगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए सिंथेसिस होगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे थायरॉड हार्मोन जो है फंक्शन कर रहा होता है अब देखते हैं थाइरोड हार्मोन के फंक्शन क्या है ओके okay, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ थायरोड हॉर्मोन अब फंक्शन ऑफ थायरोड हॉर्मोन क्या है फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले आप बीएमआर ही लिखेंगे ओके okay? बीएमआर पे इफेक्ट होता है थायरोड हॉर्मोन का सबसे ज्यादा तो इट इंक्रीज इज बीएमआर राइट इंक्रीजेज बीएमआर मतलब कैलोरीजेनिक इन नेचर इट इंक्रीज ऑक्सीजन कंजन ठीक है तो कैलोरीजेनिक कैलोरी प्रोडक्शन ज्यादा होगा प्रोटीन्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा कराएंगे इंक्रीज आरएनए ट्रांसलेशन इंक्रीज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ठीक है आरबीसी सिंथेसिस ज्यादा होगा इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी राइट कार्बोहाइड्रेट में इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी सेल्स इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा और फैटी एसिड्स को तोड़ के भी ग्लूकोज बनाएगा सो ग्लूकोनियोजेनेसिस राइट फैट्स में इट इटमोबिलाईज फैट फैटी एसिड ज्यादा बढ़ेंगे और फैट स्टोरेज कम हो जाएगा लीवर में भी हमारे कोलेस्ट्रोल फोस्टोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं इंक्रीज फैट डिपोजिशन फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा फैटी लीवर हो सकता है जब भी हाइपर सिक्रेशन होड हॉर्मोन होगा ओके हाइपर सिक्रेशन वॉज फाउंड इन विटामिन डेफिशियंसि एज वेल क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि बीएमआर बढ़ रहा है बीएमआर बढ़ रहा है तो वेट नहीं बढ़ सकता इसीलिए देर विल बी लॉस इन वेट ओके वेट लूज हो जाएगा इंक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये सीबीएस में ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रेट ऑफ कार्डे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाता है इसीलिए हमारा सिस्टोलिक बीपी राइज हो जाता है और वह जो डायलेशन कराता है इसीलिए डायस्टोलिक फॉल हो जाता है इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ऑफन ओके okay, तो इस तरीके से आप हेडलाइन बना के जो है बहुत लंबा जो है आंसर लिख सकते हैं रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस बीएमआर तो भाई रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ाएगा क्यों क्योंकि बीएमआर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो हमें जा, सांस ज्यादा लेना पड़ेगा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट जीआईटी में बीएमआर बढ़ रहा है तो भूख भी ज्यादा लगनी है भाई और भूख ज्यादा लगेगी तो इनटेक भी ज्यादा होगा सीएनएस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वो कर ही रहा है इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन ठीक है स्कैल्टल मसल में नीडेड फॉर मसल फंक्शनिंग प्रोटीन्स सिंथेसिस करा रहा है ना इसीलिए मसल में भी हेल्प करेगा बट एक फिजोलिकल लिमिट से ज्यादा अगर सिक्रेशन हो जाए हाइपर सिक्रेशन तो ये मसल के लिए कैटाबोलिक होता है मतलब मसल वीकनेस हो सकती है ओके okay? अगर हम स्लीप की बात करें तो इट स्टीमुलेट सीएनएस अब देखो सीएनएस जो है नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टीमुलेट हो रहा है तो हम एग्जॉस्टेड फील करेंगे फटीक फील करेंगे ठीक है इसीलिए वी कांट स्लीप ओके बह इसकी कमी से जो है हाइपोसिक्रेशन से बेसिकली सोमनोलेंस हो सकता है नींद आएगी राइट right? सेक्सुअल फंक्शन की अगर बात करें तो हाइपोसिक्रेशन अगर होगा तो मेल में डि, लिबिडो रिड्यूस हो जाएगा सेक्सुअल डिजायर रिड्यूस हो जाएगी और फीमेल्स में मेनोरेजिया हो जाएगा ओके हाइपरसिक्रेशन की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस इन मेल एंड ओलिगोमेनोरिया मेनोरिया इन फीमेल्स ओके सो इस तरीके से जो है आप रिस्पोंड करेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि थाइरोय हार्मोन होता है क्या है उसकी रेगुलेशन कैसे करते हैं उसका सिंथेसिस कैसे होता है ठीक है कैसे वो टारगेट पे एक्ट करेगा और क्या क्या फंक्शन वो प्ले करता है सो दैट्स ऑल अबाउट थायराइड हार्मोन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आई होप सो अगर आई हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू तो माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग